बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हसाम नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। हसाम के उर्दू मायनी है तलवार, जबकि इंग्लिश मीनिंग है सॉर्ड। हसाम नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरे फरिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है सऊदी अरेबिया और नंबर तीन पर है यूएई। जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है इतवार और मंगल। नंबर एक को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबस। पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में यह समझा जाता है कि ये हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, चाहे जितने लोग भी मुखालिफ हों, और ये अपनी बात पर हमेशा कायम रहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपका पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।